आ गए हैं जी। ट्रिपर भाई का व्लॉग है, कर मैं रहा हूँ, सांस चढ़ गई। यहाँ पे आना, अली भाई ने दुकान कर ली है, लाल पैथ मैगी पॉइंट, लाल पैथ चाय वाला। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज की राइड जो होने वाली है हमारी न्यू ग्रुप राइड है, और इसमें 2 से 4 नए मेंबर हैं हमारे साथ आज। और एक तो जस्सी पाजी भी जा रहे हैं आज, जो कि चाहे तपरी के ओनर है, ऋषभ जस्सी पाजी जग्गी। सोचा तो ये था कि सनराइज़ जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच के देखेंगे, बट यहीं पर होने वाला है शायद से, बिकॉज लेट हो गए हैं। इसकी को फुल करवाया जाए, बिकॉज राइड थोड़ी लंबी होने वाली है। जस्सी पाजी और तो पहुंच चुके हैं, थोड़ा हम लेट हैं, बिकॉज सबको इकट्ठा करने में टाइम मिल जाता है। और अभी तक प्रशांत भैया एज़ यूजुअल हमारे लेट है। हंटर की लुक बहुत प्यारी आ रही है, और पाजी ने लाइट्स भी लगवाई हुई हैं, तो कुछ अलग ही लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है हंटर। इसमें कलर्स बहुत प्यारे हैं। वो बैठे हुए हैं वहाँ पे सामने, कब से वेट कर रहे हैं। तो ये हमारी जस्सी बारी, ऋषभ बारी, हंडावा बारी आ गए हैं सारे। अरे आज ये चेहरा तो आपको बहुत बार दिखता होगा मेरी वीडियो में, नीचे करो ये। मैगी मैगी वाला है ना, तो यहाँ से तो गया सामने से, अभी सामने से तो निकला था। की हाल है, आ गया लोन भाई अपना, फोटो शूट करके निकल रहे हैं बस। साइन अप लग चुका है, डेस्टिनेशन हमारी डिसाइड हो चुकी है, बृजेश्वर महादेव सिरमौर के पास। फ्रेंड्स निकलते हैं अपने सफ़र पे, और सफ़र के दौरान बताते हैं आपको भूरेश्वर महादेव की कहानी। फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि जो भूर सिंह थे वो इस पर्वत पर रोज़ अपने पशुओं को चराने जाते थे, और एक दिन तेज तूफान में उनका एक बछड़ा गुम हो जाता है। तो उनकी जो माँ होती है वो उनको बछड़े को ढूंढने के लिए भेजती है, और जब वो जाते हैं देखने वहाँ पर, और वहाँ पे देखते हैं कि बछड़ा जो है वो बेहोश हो रखा होता है, और उससे घबराकर वो वहाँ पे शिवजी की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और अगले दिन जब उनके फादर उनको ढूंढने जाते हैं, और देखते देखते दोनों बछड़ा और लड़का देवयोग में अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद जो उनकी सौतेली माँ होती है उनकी बहन की शादी कर देती है, और जब शादी करके डोली जा रही होती है उसी रास्ते से, तो बहन रुकने के लिए बोलती है, और जैसी रुकती है उसके बाद वो उसी पत्थर से छलांग लगा देती है। तो रुके हैं यहाँ पर मैगी खाने और चाय पीने और बढ़िया धूप लेने के लिए, ठंड है और उसमें धूप का मज़ा कुछ अलग है। देख रहे हो जैकेट में कवर हो रहा है इसका सारा, गार्ड्स है, गार्ड्स वगैरह, बस एक ही बंदा अपने में फिटनेस वाला एक ही बंदा। यहाँ पे आना, अली भाई ने दुकान कर ली है, लाल पैथ मैगी पॉइंट, लाल पैथ चाय वाला। और यहाँ पे हर तरह की चाय मिलेगी जिसमें आपका खून मिक्स किया जाएगा। ये हमारे पंजाब में कोई भी मूवी आपने फेल करानी है, टॉप करानी है, वो ये भाई करवाते हैं, एडवांस बुकिंग करवाते हैं। अच्छा तुसी क्यों गेमर वांगू भी विदाउट फेस लोगों को मिलना? पूरी फीलिंग लेते हुए हमारे गौतम भाई लीन कर रहे हैं, और बट पीछे वाले बिलियन का बुरा हाल है जब जब लीन कर रहे हैं। पेट पूजा हो जाए, भूख लगी है यार, मैगी से तो मन नहीं भरा, यहाँ पे परांठे शरांठे खाए रहे हैं। अच्छी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हर संडे को बहुत से राइडर्स आते हैं यहाँ पे, मतलब शॉर्ट राइड के लिए आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, गप्पे मारते हैं, काफ़ी राइडर्स आते हैं। अच्छा लगता है ऐसे, यहाँ पे आप बहुत से नए लोगों को जानने को मिलता है यहाँ पे ना, जैसे ये इंटरसेप्टर का ग्रुप है जो सामने बैठे हैं, इनसे बात कर रहे हैं। भाई बहुत प्यारी बाइक बनाई हुई है, और जल्दी अगर नेक्स्ट बाइक होगी तो या इंटरसेप्टर होगी मेरी या हार्ले, तो बट भाई ने बहुत अच्छी मॉडिफाई करी, बहुत सी एसेसरीज लगाई हुई है। कितना कॉस्ट करा भाई आपको ये टोटल सब, मतलब एसेसरीज लगा दिया ना?
ये किसी मंत्री के लिए हार लेके खड़े हुए, तो मैंने कहा भाई मेरे गले में डाल दो यार। फाइनली आ चुके हैं महादेव के रूप पे। सिंगल रोड है, बढ़िया रास्ता है, बहुत अच्छी फील आती है यहाँ पे राइड करने में। देखो यहाँ पे अपनी अपनी मस्ती करने। काली चरण चंपा थोड़ा फाइनली है। सारे बोलो जय माता दी। आ गए हैं जी, ट्रिपर भाई का व्लॉग है, कर मैं रहा हूँ। सांस चढ़ गई। चील, हम कितनी हाइट पे आ गए हैं। चील देखते हैं हमें प्लेन एरिया से, वो हमें यहाँ पे दिख रही है नीचे। ऋषभ भाई हाँ, अच्छा लगा आपको? मैं गाली निकाल सकता हूँ आपके लोगों को? हाँ जी, हाँ जी भाई। आई नो भाई, इनके शक्ल में दिख रहा है बीप बीप हो रही है इनकी ना। समय आ गया वापसी का, चलते हैं, पहुंचते हैं अपने घर। भाई भाई डस्की मतलब हमारे जैसे लड़की में बोलते हैं ना, डस्की ब्यूटी बहुत प्यारी होती है, ब्लैक डस्की, डस्की कलर आ जाता है, तो उस वजह से तो मेरे को ये लुक वाइज पहले देखते ही ना डस्की जैसी फील आई थी, कि जैसे होते हैं ना हम कहते हैं कि डस्की ब्यूटी होती है, तो उसके बाद ये मेरी डस्की ब्यूटी बन गई है। करतारो, वाह पंजाबी, ओके हंटर करतारो बनाएंगे आप फिर भाजी। लगता थोड़ी करतारो सहेली का नाम होना पहला है ना। नहीं 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 ये नहीं। बीबीपी ओवरऑल बहुत बढ़िया दिन रहा, नए नए राइडर्स को मिले, अच्छा लगा, मस्ट विजिट प्लेस है, जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग लेके आएंगे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।